चलती है जो है ट्रेन में, इस तरह चलती है आगे इंजन आगे ड्राइवर साहब। 20 रुपये गाना नहीं हो रहा यहाँ पे, इतनी बड़ी ट्रेन है भाई ये रेस का होगा। फोनिक्स अच्छे थे ना भैंस वगैरह इन दिनों। यहाँ पे लिखा हुआ भाई भारत रेलवे, ये वंदे भारत का छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। सामने रेलवे खड़ी है, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजियम जंक्शन, उस तरफ अंदर जाके इस तरफ। यहाँ से पेयजल वाटर है, व्हाट विल यू डू पता नहीं यहाँ पे क्यों है। सामने ही शादी इसके अंदर जाने दें। तो भाई यहाँ दिखाता हूँ आपे, यहाँ पे रेलवे का दिल्ली में जो फिल्म शूट की गई थी आई थिंक यहीं पे की गई है वो। सुभान अल्लाह गाना नहीं और यहाँ पे और ये शायद कपूर का जब भी मेट का कि आज तक मेरी कोई ट्रेन नहीं छूटी लेकिन एक ट्रेन छूटी और आज ही छूट गई, तो वैसा कुछ दिखाया गया। तो भाई ट्रेन की टिकट भी देते हैं, तो उन्होंने ये ट्रेन दिखा रखी है, ट्रेन देखो इसमें घुमाते हैं। 20 रुपये की टिकट है एक बंदे की, इतनी बड़ी ट्रेन है भाई ये, छोटी ट्रेन दिखाई गई है। इस तरह अंदर का दिखाता हूँ, इंजन वगैरह गए हैं खींचने के बाद ट्रेन चलती है भाई जैसे कुछ भी। छोटे छोटे डब्बे बैठने के लिए, घूमने के लिए, इस तरह छोटा सा फुहारा दिया गया। सामने वो इंजन खड़ा है, उसके पास चलते हैं। तो भाई ये है रेलवे का सबसे पहले वाला इंजन जो सबसे पहले रेलवे ने बनाया था। यहाँ पे लिखा है नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे इसके पहिए हैं और एक कोयला गाड़ी है भाई यहाँ पे। इसके अंदर भी जाके दिखाऊंगा आपको कैसे क्या है। सामने भी सेम खड़ी है भाई, उस तरफ का भी दिखाऊंगा, एक इस तरफ खड़ी है हाइट में, ऊपर जाने के साथ मना कर रखा है। सामने भी एक खड़ी है मालगाड़ी टाइप कुछ, उसमें भी दिखाता हूँ आपको। इस तरफ इसके हैंडल वगैरह, ये रेस का होगा और ये पीरा उन्होंने दे रखा है। यहाँ पे इंजन मीटर है, किस दिन भी ट्रेन भाग रही है। यहाँ पे चलते हैं, इसके दे रखे हैं, हिल भी रहे हैं शायद। हमें भी सोचा कि ट्रेन में इसको पीछे करूँ, ये ना ब्रेक का था, इसको ऐसे मारती ना ट्रेन रुक जाती थी ना। आ जाओ मस्त ना एकदम पहले वाले की ट्रेन है। मैं फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम सोचा है कि रेलवे का म्यूजियम मैं कवर करूं, और यहाँ पे ना सीसी यहाँ से देखते थे, यहाँ पे तो हमारी हाइट के बंदे ना आगे से कैसे कोई आ रहा है नहीं आ रहा था पता नहीं चलता था। यहाँ पे एक शीशा उस तरफ दिया गया, एक शीशा इस तरफ दिया गया। और पहले गाँव में ना इस तरह कुछ सॉकेट हुआ करते थे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, सॉकेट होते थे इस तरफ, ये बटन होते ये ना बोट। हाँ अरे नहीं घरों में भी यूज़ करते थे ये वाली चीज़ें बहुत टाइम पे। अगर तो पुराने घरों में जाओगे ना गांव की तरफ तो अब भी मिल जाएंगे, हमारे गांव में भी हैं। अच्छा, यहाँ से कोयला ये खुल नहीं रहा है, ये लॉक कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे डाल देते थे भाई। चलो बाहर चलते हैं, ये भी पुरानी ट्रेन खड़ी, उसमें चढ़ के दिखाऊंगा। और बहुत सारे इंजन खड़े हैं इस तरफ सारे इंजन इन्होंने इसी तरफ खड़े कर रखे हैं। चढ़ के दिखाता हूँ, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ सकते हो, तो ऊपर का ऐसा कुछ है, यहाँ से दिखता कैसे होंगे, तो 6-6 फुट के बंदों को ही नौकरी देते होंगे ये। इस तरफ नीचे से कुछ है, तो इस तरफ नीचे से कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे ये है, ये भी किसी चीज़ के लिए दे रखा होगा। यहाँ पे रेलवे मतलब जिस बंदे ने रेलवे बनाया ना बढ़िया खतरनाक दिमाग हो उस बंदे का, इसने भी रेलवे बनाया। सामने भी है भाई एक ट्रेन है, ये पहले की रेलगाड़ी थी। चलो अब नीचे चल के दिखाता हूँ। और भाई ना सामने भी खड़ी हुई है छोटे वाली ट्रेनें, इस तरफ पता नहीं कहाँ निकली है ये वाली तो मालगाड़ी ही है, पहले की मालगाड़ी है ये। तो भाई ये पहले की मालगाड़ी है और उन्होंने सारा कबाड़ा यहीं पे डाल दिया है। ये पहले के वो है टाइप की स्टोरी कंप्यूटर वगैरह, ये पता नहीं क्या है, लेकिन पीछे पहले के कंप्यूटर पड़े हैं। ये पहले मालगाड़ी खराब प्रिंटर है ये, और उस तरफ छोटी रेलगाड़ी खड़ी है, वहाँ पे लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस तरफ सारे इंजन है, छोटे वाले इंजन है सारे। उस तरफ चलते हैं, उस तरफ चलें।
पीछे की तरफ वहाँ पे एक छोटे वाला इंजन है, है? सामने दिख रहा है छोटे वाला इंजन दिख रहा है पूरा। हाँ, तो अगर आप बाहर की तरफ कहीं जाओगे ना, अगर वहीं कहीं गांव की तरफ जाओगे तो पहले ना ये लकड़ी का काट के यूज करते थे, अब उसके बाद सीमेंटेड बनाए इन्होंने, बाकी इन्होंने बहुत साथ दिया रेलवे का। यहाँ पे सारा कचरा पड़ा हुआ, उस तरफ एक ट्रेन है, छोटे वाली ट्रेन है, वो देखने चलते हैं। ये भाई छोटा सा मॉडल बना था, म्यूजियम एक्सप्रेसिस पे लिखा हुआ है, आई थिंक इसमें ना पहले घुमाते होंगे लोगों को। और ये इंजन भी अंदर देखना है जो है ट्रेन में, इस तरह चलती है, आगे इंजन आगे ड्राइवर साहब। 20 रुपये की एक बंदे की टिकट है, हम दो बंदे हैं, दो और स्टार्टिंग में ड्राइवर साहब खुद टिकट चेक करते हैं आपकी। तो चल पड़ी हमारी जो है ट्रेन चुक 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 करती हुई, ये पुराने वाला इंजन है, आई थिंक सबसे बड़े वाला इंजन है ना ये वाला है। और सामने भी है एक, उस तरफ भी खड़ा हुआ है, है? इसके अंदर जाने देते हैं क्या? फोनिक्स ये सबसे बड़े वाला इंजन ये है, ये सबसे बड़े वाला इंजन सबसे पहले ही बनाया था रेलवे ने। आप ऐसे वो चीजें दिखाई गई इसमें कोयला होता था, इसमें दोबारा आके दिखाऊंगा ये भाई जो लकड़ी वाला इंजन जो कार से बनाया जाता है सबसे पहले, क्या हालत हो गई है इसमें। और इसमें ना सिर्फ 6 ही पहिए होते थे, हमारे यहाँ में 8 होते हैं इस तरह कुछ। हाँ अरे ठीक है हम थोड़ी। और भाई इंडियन रेलवे का ये पुराने वाला इंजन, कोयले वाला इंजन जो उसके बाद में बना था, तो उसका इंजन चलता था वाला, ये इसके छोटे वाले उस पर चलते हैं। अच्छा वो गाय वगैरह भी लेके जाते थे ना, भैंस वगैरह इन दोनों के इस तरफ का। और ये भाई रेलवे को पहले जैसे उठाने के लिए जो इंजन वगैरह उठाते थे ना उसके लिए है पूरी ट्रेन इन्होंने, छोटे वाली है। और ये इस तरफ और उस साइड में न्यू रेलवे चलते थे, और पूरा पूरा स्टेशन वाला मॉल बना हुआ। उस तरफ वो छोटे वाले इंजन है, इस तरफ बड़े वाले इंजन खड़े। ये पे क्रेन है, जो पहले की क्रेन चलती थी ना, रेल क्रेन जिनको बोलते थे, पहले वाला इंजन। उस तरफ ये पहले के एसी वाले जो इंजन होते थे, इस तरह कुछ एसी वाले इंजन है सारे। देखो भाई जो 1997 में जो इंजन चलाया गया था, जो बनाया गया था, उस तरह के इंजन है ये। देखो इस तरफ यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये पहले का है, ये 1920 के आसपास ये वाला रेलवे के इंजन बनाए गए थे। वहाँ पे सामने भी खड़े हैं इस तरफ सारे, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। बाकी अगर पैदल घूमने, ये देखो पहले ये रेलवे से चढ़ाते थे इस तरफ से उस तरफ पटड़ी के जाने के लिए, नी अंडर पास इस पर रेलवे चढ़ाते थे, तो इंजन इस तरफ से उस इस पटड़ी से उस पटड़ी पर लेके जाने के लिए थे। उसके बाद भाई ये वाला रेल इंजन थोड़ा जो कर लेते हैं, इसमें ही घूम सकते हैं, बाकी पैदल घूमने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। उस तो ऊपर भी एक छोटा इंजन रखा हुआ है। और ये अंडर पास भाई छोटे से छोटे से, ये दार्जिलिंग में शायद अब भी चलती है दार्जिलिंग में वाली। हाँ ये छोटे वाली बोग है, ये तो अभी चलती है दार्जिलिंग में, अभी चलती है वैसे मंगोल में। ये वाले वही इंजन है, सबसे मस्त कूल इंजन चलते थे उस टाइम पे, इतने बढ़िया बढ़िया इंजन चलते थे। हाँ यूनिक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है। ये
देखो पीछे खड़ा है इंसान, और ये भी छोटी छोटी पटड़ियाँ यहाँ पे बिछाई हुई हैं। यहाँ पे कौन सी, ये पे शायद टॉय ट्रेन है ना, टॉय ट्रेन के लिए उन्होंने ये छोटा बहुत प्यारा पार्क बना रखा है भाई। नहीं नहीं इतनी भी छोटा नहीं था वो। ये टॉय ट्रेन के लिए उन्होंने देखो सब कुछ नीचे बनाया हुआ है टॉय ट्रेन के लिए। यहाँ पे सारा ये जो बिछा रखी ना टॉय ट्रेन के लिए बिछा रखी है सारे, बाहर से अंदर से भी सारा टॉय ट्रेन के लिए। उस तरफ भी कितना प्यारा बनाया हुआ है ये वाला रेल इंजन। यहाँ पे सुरंग वगैरह बना रखी है, टनल्स। ये वाला इंजन अब भी चलता है। अगर आप नांगल डैम की तरफ जाओगे ना ऊना हिमाचल की तरफ, तो वहाँ से नांगल डैम से आपको थोड़ी दूर तक ये वाला इंजन अब भी चलता है। ये वाला कुछ यूनिक इंजन है, इसके बारे में मैंने आज तक कभी सुना नहीं, ना मैंने कभी पढ़ा। ये वाला एक और इंजन बहुत तरह के, जो पिछली बार में जितने भी इंजन थे ना जो पहले यूज किए जाते थे, उसके बाद ये रेल म्यूजियम में लाके खड़े कर दिए ताकि लोगों का अट्रैक्शन बने, लोग इसको देखने आ सके। और इसके अंदर का ये छोटे वाले इंजन जो पहले वाले दिखाए थे, और ये सामने कैफेटेरिया भाई आ जाए खा सकते हम भी। और यहाँ पे कुछ अच्छा मिला तो भी खा पी के आएंगे, कुछ मस्त अच्छा मिला तो। ये वाला ज़्यादा कूल लग रहा है ना, ये रॉयल्स वाला लग रहा है। ये वाला तो वही है जो उस तरफ बड़े वाले थे, उस तरफ ये छोटे वाले, इसके छोटे भाई है ना ये नीलगिरी कोच है भाई। देखो पूरा खुला दे रखा है, ये ऊपर सामान रख रहे नीले दे रखे हैं हल्के फुलके। कुछ इस तरह का दे रखा था। तो भाई अपनी रेल यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरफ आ रहा है शायद शाम को ही चलाते होंगे। तो हम अपने म्यूजियम जंक्शन बाई पहुंच चुके हैं।